everybody, you guys are watching Brown Beauty SIMOR and welcome to my channel. सभी का मेरे चैनल पे बहुत ज्यादा स्वागत है. जो भी मेरे चैनल को बहुत समय से देख रहे हैं या नए आए हैं, सबका बहुत स्वागत है. By the way, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने नई वीडियो अपलोड की है. अगर आप सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जा ही रहे हैं तो बेल आइकन पे भी क्लिक कर, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको टिंग टोंग हो जाए, आपको पता चल जाए कि नई वीडियो आ गई है और आप मिस नहीं करें. सो जैसे कि आपको मेरे नाच से थोड़ा गेस्ट हो गया होगा कि हम जो भी करने वाले हैं कमाल करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी मोस्ट रिसेंट एथनिक ज्वेलरी हॉल नहीं, मतलब दिखाने वाली हूँ कि मेरे पास कौन कौन से पीसेज हैं, क्योंकि बहुत सारे आप जानना चाहते हैं. और मैंने आपको कहा था कि अगर आप जानना चाहते हैं तो बताएं, आपने कहा यस आप जानना चाहते हैं, और उसके बाद मैं भूल गई. पर आज मुझे अचानक से याद आ गया कि मैंने आपके साथ अपनी ज्वेलरी शेयर नहीं की है, तो मैंने सोचा कि अभी कर देते हैं. मैन ओके, अब वेडिंग सीजन चल रहा है, अभी काफी लंबा समय चलेगा, तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ मेरे पास कौन से एथनिक पीसेज हैं जो अपनी कलेक्शन में आप ऐड कर सकते हैं और कमाल कर सकते हैं. अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज देखते रहिए. पर देखने से पहले मुझे मेरे सोशल मीडिया पे जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है. उसी से हम लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाते, क्योंकि उसमें मैं काफी कोशिश करती हूँ कि मेरी डेली अपडेट्स देने की. सो शुरुआत करते हैं हमारी ज्वेलरी वीडियो के साथ, प्लीज देखते रहिए. हम लोग शुरुआत करते हैं रैंडम पीसेस से ही. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ज्वेलरी के पीसेस हैं जो मैंने इस बड़े जॉइंट बॉक्स में रखे हैं, और देन कुछ हैं जो मैंने इसमें रखे हैं, और देन हैं जो मैंने इसमें रखे हैं, और कुछ मैंने इसमें रखे हैं, और कुछ इसमें मैंने एक मेरे हाथ में है. सो आज हम देसी ज्वेलरी के बारे में ही बात करेंगे जो देसी है. सो शुरुआत करते हैं कुछ नन्ने मन्ने से. नेक पीस है जो मैंने ऑस्ट्रेलिया से लिया था, डीवा से, और आई थिंक ये 10 या 15 में लिया था. पर ये कितना अच्छा स्टेटमेंट नेक पीस है. ये देसी नहीं है पर हमारे देसी आउटफिट्स के साथ बहुत अच्छा लगता है, और किसी भी आउटफिट को थोड़ा ग्लैम अप करने के लिए ये आप पहन सकते हैं. मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला पीस. अगला मैंने ये रिसेंटली अमेजोन से ख़रीदा है. मैं यूजली अपनी ज्वेलरी अमेजोन से या फिर ईबे से ख़रीदती हूँ. ईबे से आप डायरेक्ट दिल्ली से, हैदराबाद से, कोई भी हब से ज्वेलरी खरीद सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं फ्री शिपिंग वाला पीसेज, और चेक करें उनके रिव्यूज़, उनकी दुकान के रिव्यूज़ कैसे हैं, तो उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं. बहुत ही अफोर्डेबल पड़ता है. यू नो, जब मैं इंडिया जाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि कोई ज्वेलरी खरीद के लाऊं, पर मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा पैसे स्पेंड करती हूँ और मुझे वो पीसेज एंड ऑफ द डे इतने पसंद भी नहीं आते. सो ऑनलाइन खरीदना मुझे ज़्यादा अफोर्डेबल लग रहा है. ये है कि समय लगता है पर ज़्यादा अफोर्डेबल है. अगला मेरे पास ये बहुत ही हैवी सा नेक पीस है, लेट मी शो इट टू यू. ये मैंने अमेजोन से ख़रीदा है. आई गेस ये 50 और 60 का है, पर इसमें बहुत सारे पीसेज हैं. अगला इसमें पीस है ये बहुत ही ह्यूज मांग टिका. सो अगला है इसके साथ ये बहुत ही ह्यूज सा मांग टिका, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी. एक्चुअली ये इंडिया से आया है. एक प्रॉब्लम थी कि ये लोग डिलीवर थोड़ा लेट करते थे, पर जो ये सेलर था, मैं कोशिश करूँगी लिंक ढूंढने की, उन सेलर को मैंने कहा कि मुझे जो ये ज्वेलरी है जल्दी चाहिए, क्योंकि मुझे कहीं पे पहननी है और हमारे घर में शादी है, और उन्होंने उसी दिन शिप कर दिया. लाइक आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. और प्रोडक्ट को पहुंचने में ज़्यादा देर लगती, वैसे वो फेडेक्स के साथ ही शिप करते हैं. सो ये है. इसके साथ ये भी है, पासा बोलते हैं इसको शायद. सो ये भी है. मैं एक्चुअली एक ब्राइड मेकअप ट्यूटोरियल के बारे में सोच रही हूँ, मैंने सोचा था उसमें मैं ये ज्वेलरी पहनूंगी. सो ये है, और इयररिंग्स भी हैं. सो ये सारी चीज़ें $50 में, 50 और 60, मैक्स 60 है, और शिपिंग फ्री. और 2000 रुपीज़ में आपको, मुझे नहीं लगता इंडिया में इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी, और वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी की. और आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, क्योंकि जब भी मैं इंडिया जाती हूँ ज्वेलरी खरीदने के लिए दुकानों में, बहुत ही महंगी ज्वेलरी लगाते हैं वो यार. एक मैंने सेट लिया था बहुत ही ज़्यादा सिंपल, और वो मुझे लगता है 3000 का दिया था उन्होंने हमें. वो कह रहे हैं कुंदन है, दिस दैट ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या. मुझे ऑनलाइन खरीदना ज़्यादा अफोर्डेबल लग रहा है, कि ज़्यादा अफोर्डेबल है. सो यार इसके इयररिंग्स भी कितने प्यारे हैं, और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. कोई भी चीज़ मिसप्लेस नहीं थी, कुछ भी इधर उधर नहीं था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. एक्चुअली मैं इसको बचा के रखना चाहती थी अपनी ब्राइडल लुक के लिए, तो या मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर देते हैं कि कैसे. सो या देखिए, ये सारी ज्वेलरी $50 और $60 में है. सो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड एंड वेरी हैप्पी. सो या ये है बहुत ही हैवी एंड ह्यूज सा पीस, जो कि परफेक्ट है अगर आपको कुछ हैवी क्रिएट करना है,
और क्वालिटी बहुत 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 अच्छी है. मैं आपको जूम इन में भी दिखाऊंगी. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं कोशिश करूंगी कि अगर मुझे ये सेलर का लिंक मिल रहा है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी. तो ये है पीस. मुझे अपने चेहरे पे गोल्ड ज्वेलरी ज़्यादा अच्छी लगती है, सो मोस्टली मेरे पास सारी चीज़ें गोल्ड ही होती हैं. और एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, वो है ये कंगन. ये शायद बहुत ही पॉपुलर होंगे. ये मुझे मेरी एक फ्रेंड ने दिए थे ऑस्ट्रेलिया में. वो मेरे लिए इंडिया से लेके आई थी वो. और या ये अभी भी मैंने अपने पास संभाल के रखे हुए हैं. मैं काफ़ी बार पहनती हूँ एक्चुअली. मैं बहुत ज़्यादा पर्सन नहीं हूँ बैंगल्स का, पर या बहुत टाइम आता है कि मैं ये पहनती हूँ. इसमें ज़्यादातर दूसरी ज्वेलरी है, लाइक वेस्टर्न वाली. और अगले मेरे पास एक इयर रिंग है, ये वाले. बहुत ही ज़्यादा शाइनी और बहुत ही ज़्यादा ग्लैम काइंड के हैं ये इयर रिंग्स. और ये मैंने एक्चुअली यहीं से फ्ली मार्केट से ख़रीदे हैं. और ये हैं $5 के. कैन यू बिलीव, ₹200 के $5 में लिए थे मैंने ये फ्ली मार्केट से. मैंने कभी भी पहने नहीं है, पर या मैं कोशिश. ये वैसे इतने हैवी नहीं है जितने दिख रहे हैं, पर या ये ऐसे दिखते हैं. मुझे लगता है कि मेरे चेहरे पे ठीक नहीं लगते इसलिए मैं पहन नहीं पाई. पर या इसमें कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है, सब कुछ इसी में है. $5 में इतने प्यारे इयर रिंग्स कहाँ मिलेंगे. फ्ली मार्केट यहाँ पे ऐसे थ्रिफ्ट स्टोर जैसा ओपन मार्केट होती है. आई एम नॉट श्योर वो कहाँ पर है, मेरे पति को ज़्यादा पता है. सो या, और ये वाला वो है जिसके बारे में बात कर रही थी. इंडिया से मैंने ख़रीदा था पूरा नेक पीस. उसका ये छोटा सा झुमका है और आई थिंक ये 3000 में आए थे. और एक मुझसे शादी में ही मिस हो गया था वहीं पे. सो नेक्स्ट है ये वाले इयर रिंग्स. ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हैं कितने प्यारे हैं. और मेरे पास एक पिक्चर भी होगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगी. ये पहने हुए बहुत बहुत अच्छे लगते हैं. यू नो, एक इसी में आते हैं वो थोड़े उसमें पतली ये झुमकी है. वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते, वो बेचारे कमज़ोर से लगते हैं. पर ये ऐसे लगता है कि बहुत हैवी एंड गुड क्वालिटी के हैं. सारे झुमके जितने भी आपको दिखा रही हूँ, जो भी मैंने ऑनलाइन लिए हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सबके मैं लिंक शेयर कर पाऊँ आपके साथ. सो ये बहुत बहुत प्यारा पीस है, बहुत ही हाई क्वालिटी है. और आई विल शो यू ये कैसे लगते हैं. ये बहुत अच्छे लगेंगे अगर आप नेक में कुछ ना हो, मांग टीका ना हो, और आपने बहुत ही अच्छा स्लीक सा हेयर स्टाइल हो आपका, और ये झुमके ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो. तो ये कितने ब्यूटीफुल लगते हैं. सी, ओके, ये बाल अट्रैक्शन बन रहे हैं, पर ये नहीं होने चाहिए, सिर्फ ये झुमके. सो या, दीज आर द वन. मुझे ना आदत नहीं है झुमके पहनने की, तो मेरे कान बहुत जल्दी हर्ट करना शुरू हो जाते हैं. सो नेक्स्ट है मेरे पास ये बहुत ही प्यारे पंजाबी किस्म के थोड़े डल थोड़े लाइट गोल्ड कलर के झुमके. ये मैं बहुत पहनती हूँ क्योंकि ये बहुत बहुत लाइट है और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. ये ऐसे दिखते हैं. और ये मुझे लगता है मैंने $20 में लिए थे. आई थिंक जब हम लोग हलाल फूड फेस्टिवल में गए थे 2017 में, हम लोग हलाल फूड फेस्टिवल में गए थे, वहाँ से मैंने लिए थे. ये बहुत प्रिटी एंड पंजाबी झुमके हैं. सो या, मेरे एक्चुअली कान दर्द करना शुरू हो गया, मैं दोबारा नहीं पहनूंगी. सो ये वाला वो सेट है जो मैंने इंडिया से, मैंने आपको बताया, ख़रीदा था, जो बहुत ही महंगा मिला मुझे 3000 में. और इसमें इतनी शाइन भी नहीं है और इतना ये हैवी भी नहीं है, पर फिर भी ये मुझे महंगा मिला. और वो इतना हैवी सस्ता, आई डोंट नो, शायद क्वालिटी में डिफरेंस तो है, पर फिर भी आपने इतना क्या पहनना होता है, थोड़ा ओके का इन चलेगा. वो इतनी चीज़ें मुझे लेस में मिली हैं और ये सिर्फ ये. और इसके साथ जो झुमका था वो मुझसे गुम गया और मुझे दोबारा ऐसा नहीं मिला. अगला जो पीस है ये मैंने अमेजोन से लिया है. ये मुझे बहुत अच्छा लगा. आई थिंक $20 में है ये, 20 या 30 में. पर ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल पीस है. ये सिर्फ ये प्लेन नेकलेस है इतना लंबा. ये अच्छी क्वालिटी है इसकी. और इसके साथ ये वाले इयर रिंग्स हैं ऐसे लंबे लंबे. मुझे ज़्यादातर सेटल सी ज्वेलरी पहनना ही अच्छा लगता है, जो बहुत ही सेटल एंड क्लासी सी दिखे. सो या, दैट्स दैट. और अगला मेरे पास है ये भी मैंने ईबे से लिया है. ये ग्रीन कलर का है. ग्रीन बहुत अच्छा लगता है वाइट के साथ, ब्लैक के साथ, या किसी भी कलर के साथ ये वाला ग्रीन आप ऐड कर सकते हैं. तो ये ऐसे झुमके हैं और इसके साथ ये मांग टीका भी है ग्रीन ही. और ये मुझे इतना ब्यूटीफुल लगा. और ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल था मेरे ख्याल से. ये $15 या $20 में था ये पूरा सेट. तो यप, ये ऐसे दिखता है. ये बहुत 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 प्रीटी लगा मुझे, तो मैंने ये ले लिया था. और इसी के साथ बिल्कुल सेम मैंने एक और पूरा वाइट ले लिया था, क्योंकि मुझे चाहिए था कि कुछ पूरा वाइट और पर्ली हो. तो मैंने उसके साथ का सेम इस कलर में ले लिया. और उसमें और भी बहुत सारे कलर थे, लाइक पिंक, बैंगनी और बहुत सारे. क्योंकि ये जो है वो बहुत सारे आउटफिट्स के साथ जाता है, ये काफ़ी यूनिवर्सल सा पीस है. तो मैंने ये वाला उसके साथ ही ले लिया था ग्रीन के साथ. आई थिंक ये मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर लिए थे. सो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे मुश्किल होगी ये ढूंढने के लिए पीसेस.
ये वाले कलर का, ये भी मैंने ईबे से इंडिया से खरीदा था. ये काफ़ी प्रिटी है, मुझे ये भी शेड, ये भी इयर रिंग्स अच्छे लगते हैं, पर यहाँ से मिलते नहीं है, ज़्यादातर गोल्ड ही मिलते हैं. पर समटाइम मेरा मन करता है कुछ ऐसा, समटाइम मेरा ये सिल्वर कलर पहनने का मन करता है, आई डोंट नो, पर यहाँ पे इतना नहीं मिलता, तो ये वाले इयर रिंग्स मैंने ईबे से खरीदे थे. सो अगला ये जो पीस है ये कुछ ऐसा है, चोकर की तरह मुझे अच्छा लगता है. इसमें जो ये गोल्ड है इतना क्लीन तरीके से, और ये पर्ल्स मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया है इसने. और इसके साथ मेरे पास इयर रिंग्स भी हैं, वो हैं वो छोटे छोटे से सेम उसी की तरह के पर्ल्स. ये जो सेट है मुझे काफ़ी प्रिटी एंड क्लासी सा लगा, सम ओकेजन पे जहाँ पे आपको बहुत ही कम मिनिमम सा दिखना है, एलिगेंट सा दिखना है, वहाँ पे क्या पहन सकते हैं. तो या ये भी मैंने ईबे से ही लिया है. अगली जो मैं आपके साथ इयररिंग्स शेयर करने वाली हूँ वो शायद मुझे कई व्लॉग्स में आपने पहने हुए देखा होगा, वो ये वाले इयररिंग्स हैं. ये भी काइंड ऑफ साउथ इंडियन किस्म के झुमके हैं, क्योंकि हमारे पंजाबी झुमके ऐसे नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं. ये जो मटेरियल है एंड लुक है काफ़ी डिफरेंट है, और मुझे बहुत बहुत अट्रैक्ट किया है इसने, और मुझे ये पहने हुए बहुत ही एलिगेंट दिखते हैं. और या ये भी मैंने ईबे से लिए हैं, आई थिंक $10 में होंगे ये. हाँ, मे भी जो दोस्त इंडिया या पाकिस्तान में रहते हैं उनको ज्वेलरी मिलना काफ़ी आसान है, क्योंकि आप लोगों के यहीं पे तो बनती है ज्वेलरी, पर हमें ज्वेलरी ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाए. और अगला मेरे पास एक सेट है छोटा सा, वो पूरा देसी पंजाबी स्टाइल है उसका जो मटेरियल है, और ये झुमका है उसके साथ बहुत बहुत लाइट. समटाइम लाइक माइये में, जागों में या मेहंदी में आपको कुछ पहनना हो, ये हल्का सा आप पहन सकते हैं. आई थिंक ये $11 में मैंने ईबे से लिया, बहुत ही प्रिटी है, $11 में गुड डील, और शिपिंग फ्री थी. मेरे पास एक हमारा ट्रेडिशनल पंजाबी टिक्का है, जो हमारे पूर्वज पहनते थे उस किस्म का. ये मैंने अमृतसर से लिया था एक दुकान से, जहाँ पे आप कुछ भी पुराने किस्म की चीज़ें खरीद सकते थे, वो तब नई चीज़ थी. अब तो काफ़ी कॉमन हो गया है ये चीज़ें लोग पहनते हैं, पर लाइक 5-6 ईयर्स पहले ये जो हमारी पुराने कल्चरल चीज़ें थी वो मिलनी मुश्किल हो गई थी. थैंकफुली ये चीज़ें वापस आ रही हैं, कि लोग दोबारा से इनको प्यार कर रहे हैं, दैट्स अमेजिंग. अदरवाइज हम किसी दुकान पे जाके कहेंगे कि पान पत्ती दे दो, पान पत्ती इयररिंग्स होते हैं जो हम लोग हमारे दादी नानी पहना करते थे, वो कहेंगे पान पत्ती वो नहीं मिलेगी मैडम, वो नहीं मिलेगी. सो या अगली मेरे पास ये है. तो या ये मैंने एक्चुअली इंडिया से ली थी जब मैं इंडिया गई थी हिम्मत के साथ. सो आई थिंक 150 रुपये में आई थी ये, और मुझे ये बहुत प्रिटी लगती है. इसमें ये जो वाइट मोती है एंड रेड है, ये बहुत प्रिटी है. मैं एक्चुअली ढूंढ रही हूँ कि मुझे नन्ही नन्ही सी मिले ताकि मैं पहन पाऊँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है पहननी ये. अदरवाइज़ मेरे नाक में वो होल नहीं है, लाइक पियर्स नहीं करवाया मैंने, पर मुझे ये बहुत अच्छा लगता है. ये मुझे ईबे से मिल नहीं रही है इतनी, अगर मिलती भी है तो $15-20 में आती है इतनी पिद्दी सी, तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं इंडिया जाऊंगी तो खुद से खरीदूंगी, या फिर अगर मुझे कोई अच्छी डील मिलेगी तभी खरीदूंगी मैं. ये 2016 में ली थी मैंने, हमारे ये लास्ट ट्रिप पे, ये मुझे अच्छी लगी, पर इसकी प्रॉब्लम है कि ये टिकती नहीं है इतनी देर, और वैसे भी इरीटेट करना शुरू कर देती है. अब ये पहन के मुझे एक फ़ोटो खींचनी पड़ेगी. और एक और झुमके हैं जो कि मिसिंग थे पर मिल गए हैं, वो मैंने ये जो हमारी रिसेप्शन पे गई थी मैंने पहने पहने थे, वो है ये. ये बहुत ही ट्रेडिशनल पंजाबी किस्म के जो झुमके हैं, जैसे हमारे गुरुद्वारे में वो गुबन से लटके होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हैं ये. इसमें काफ़ी आर्टसी है, और या ये काफ़ी अच्छे दिखते हैं पहने हुए, और ये गोल्ड ही हैं. और या सो ये तीन झुमके हैं मेरे पास, ये तीनों अपने आप में अलग अलग हैं, और तीनों की अलग अलग खासियत है, और तीनों ही ब्यूटीफुल है, तीनों पहने हुए डिफरेंट लगते हैं. सो या मुझे लगता है कि मैंने सारी ज्वेलरी कवर कर ली है, और मेरे कान अब पहनने के लिए रेडी नहीं है, जो मैंने रेगुलर पहन के रखी थी, अब मैं वो भी नहीं पहन पाऊंगी. सो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ कि आपने पसंद किया होगा. अगर आपने पसंद किया है तो आपको पता है क्या करना है, पहले तो थम्स अप दें, थम्स अप देने से ही मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है. दूसरा काम है कमेंट करें, कुछ भी अच्छा लगा बुरा लगा कुछ भी कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगा. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है, अगर नहीं करा है तो जल्दी से अभी कर लें, और बेल को भी टिंग टॉन्ग कर दें. और मैं मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और बिल्कुल नहीं भूले दोस्तों, यू गाइज आर ब्यूटीफुल द वे यू आर. आपने ये नथनी पहनी हो या नहीं डजंट मैटर, बस स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, यू गाइज कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग, एनी थिंग.